स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। घमापुर थाना अंतर्गत पाटबाबा मंदिर सेंट्रल स्कूल के पास बीती रात लूट के उद्देश्य से दो युवकों ने कार में पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें वृद्धा के सिर में एक पत्थर लग गया, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां की उनकी मौत हो गई, जबकि कार में सवार अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं। बता दें कि रिटायर SI नीरज शुक्ला का परिवार देर रात कार से डिंडोरी से जबलपुर जा रहा था, तभी पाटबाबा सेंट्रल स्कूल के पास दो युवकों ने पहले कार को रोकने की कोशिश की। ड्राइवर ने जब कार नहीं रोकी तो दोनों युवकों ने कार पर पत्थर से हमला कर दिया। कार में बैठी 62 वर्षीय विराज मणि दुबे को सर में पत्थर लग गया, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, परंतु सर पर गंभीर चोट होने के कारण उनकी मौत हो गई, जबकि कार में सवार दुर्गा नगर निवासी रश्मि तिवारी और दीपांशु शुक्ला को हल्की चोटें आई हैं। पूरा परिवार खेती काम से डिंडोरी गया हुआ था। बॉडी कहाँ? बॉडी देख रही, बॉडी लगभग 3 बजे हम लोग यहाँ जीसा फैक्ट्री के पास में केंद्रीय विद्यालय पहुँचे, वहाँ पर दो युवक सामने से आ रहे, उन्होंने कुछ फेंक के मारा, तो एकदम से आवाज़ आई मेरे को, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो बुआ को ब्लड आ रहा था, तो मैंने सीधे बस गाड़ी लाया और हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया। दो लोग थे जी, अब लूट के ही इरादे से उन्होंने मतलब मुझे मारा होगा, गाड़ी मैंने थोड़ा सा वो किया तो पत्थर पीछे चला गया। दीपांशु शुक्ला। मैं थाना घमापुर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। सिटी अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी कि मृतिका एक टाटा नैनो कार से डिंडोरी तरफ से आ रही थी, जिसमें कुछ दो अज्ञात लोगों द्वारा पत्थर मार के हमला किया गया, इसमें मृतिका की ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। इसी सूचना पर मर्ग पंचनामा कार्रवाई किया, PM के लिए मृतिका के शव को मेडिकल कॉलेज भेजा गया। घटना केंद्रीय विद्यालय गेट के 1 नंबर के पास की है, सतपुला बाजार। मेरा नाम प्रधान आरक्षक राजेंद्र कुमार, 16-61।